तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे देखिए जो मम्मी की फ्रेंड्स आई थी, मेरे फ्रेंड्स आए थे, सभी लोग को आर्यन तो बहुत खुश हुआ था अपने फ्रेंड से मिलके, काफी बातें कर रहा था। हाँ, इधर आराध्या भी आई है, शर्मा रही है। और देखिए गाइस, इधर देखिए बर्तन कितने थे, आधे बर्तन तो मैंने धुल के रख दिए हैं और आधे अभी धुल रहे हैं। कितने बर्तन हो गए, बार बार बोले कि यही चीज हो रही, क्योंकि बेसिन छोटा है ना तो बर्तन धोने में काफी दिक्कत हो रही है। और दवा ला कर रात को तबियत वबियत खराब होगा तो फिर परेशानी झेलनी पड़ेगी। मेरा भी सर दुख रहा है पता नहीं क्यों। सो गाइस देखिए यहाँ पे मम्मी बर्तन वगैरह धो रही है, तो आप लोग जुड़े रहे ब्लॉग में। और सभी लोग चले गए हैं, तो अब मम्मी सारा घर का साफ सफाई कर रही हैं। तो आप लोग जुड़े रहे ब्लॉग में, मिलते हैं कुछ देर के बाद। नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हैं? यहाँ देखिए सुबह का टाइम हो गया, मम्मी सब मेरा लोग पूजा करने, तो मम्मी सब बर्तन हटा रही है। हाँ, तो कल का धूल के रखती थी कि चेयर पे रात को रख दी थी, जब पानी झड़ गया नहीं तो इसे पोछना पड़ता, फिर जैसे करना पड़ता, पानी झड़ गया मैं इसे फिर से करके वापस रख दे रही हूँ। अब तुम्हारा कोई फ्रेंड आएगा तो उसमें इसको लेमन जूस पिलाऊंगी, ठीक है? कौन सा जूस? लेमन, लेमन जूस पिलाऊंगी, कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगी, ठीक है? ये सब थाली के भी भैया आएगा तो रखवाऊंगी, और तो ये सब रखूँगी। ये नीचे ही रख दो, ये नीचे ही रख दो, ये कप और ये प्लास्टिक का गिलास। पियोगे क्या? क्या ये कोल्ड ड्रिंक पियोगे क्या इसमें? नहीं, हा? नहीं, मेरा एक दोस्त आएगा तो नीचे करो, नीचे ही रख दो। बोलता है कि तू मेरे घर पे आना, मैं ना देखो कोल्ड ड्रिंक बिस्कुट सब चीज पिलाऊंगा। कौन बोल रहा था? एक मेरा दोस्त है। अच्छा, तो आप भी मेरे घर आओ तो मैं बोला कि तुम देखो भी मेरे घर पे आना पड़ेगा। बोल दो हमारी मम्मी मना करती है कहीं जाने के लिए। मेरा स्कूल में सबसे पक्का दोस्त है। अच्छा, ऐसे जो इसको रख देते हैं। चलो जाओ आप पूजा करो, मैं जाती हूँ फटाफट और दूसरा काम कर लेती हूँ, ठीक है? ऐसे बॉक्स में घूम के रखा रहता है तो अच्छा लगता है, निकालो फिर रख दो। प्लास्टिक का? हाँ, इसका प्लास्टिक फेंक दीजिए, प्लास्टिक उस प्लास्टिक में ही रखूँगी क्या। चलो इसे साइड में रख देती हूँ, अब जाओ। अब ठीक है, हटा दी ना, बहुत चिल्ला रहे थे आप मुझे, ठीक है? नहीं ठीक है। गाइस यहाँ देखिए मम्मी मेरे लिए काट रही है एप्पल। आलम की कुछ मस्ती ज्यादा बढ़ गया है गाइस। सो गाइस ये वीडियो को डिसलाइक करिए, गाइस कर दीजिएगा। मेरा बेटा लोग चाहते हैं कि डिसलाइक करो, डिसलाइक कर दीजिएगा। नहीं फैमिली, मजाक करता हूँ, मजाक चलते ही। ओके, आर्यन से बोली कि सेव कर नहीं, हम एक बनाना खाएं, खा के गए क्लासेस। गाइस आपकी पूनम दीदी इस समय बहुत कैसी हैं देख रहे हैं, सुबह से ऐसे ही पड़ी थी, अभी फिर मैं कपड़ा चेंज की हूँ। वो ठंडी दे के मुझे फीवर, जिसे अंदर से मेरा तबीयत बिल्कुल नहीं सही है। सोचती हूँ डॉक्टर के पास जाऊँगी तो क्या कहूँगी, मेरे डॉक्टर ही भगवान है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे कुछ भी होता है मैं भगवान से। सो गाइस शाम के बज रहे पौने छः, मौसम यहाँ का काफ़ी बिगड़ चुका है। जैसे आरो बिगड़ गए हैं वैसे मौसम भी बिगड़ गया है आज। तो गाइस शाम के समय हो गए हैं, इनको देखिए दीहू नाश्ता कर रहे हैं और मैं भी चाय बना ली हूँ, इधर चाय पी रही हूँ। आरो को दे दी हूँ कांदा वाला पराठा सेकी थी, तो मैं बोली लो तुम चाय के साथ खा लो। ट्यूशन का सेकेंड डे जा रहा हूँ।
क्योंकि ये टोस्ट बिस्किट ये सब क्या है कि बहुत नुकसान भी करते हैं लेकिन ये लोग जीत भी करते हैं। मैं बोली कुछ भी नहीं, चलो पराठा से। मैंने क्यों आप जीत काम किया? अभी सुबह दोनों लोग झगड़ा किए थे। हाँ तो सुबह ना, हाँ तो गाइस शाम के समय और मौसम भी काफी अच्छा है। दिखा देती हूँ आप लोग को मौसम का नजारा अपनी विंडो से। रिमझिम 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 बारिश भी हो रही है, हल्का हल्का हवा भी चल रहा है। बस बारिश आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। बारिश आ जाएगा फिर मुझे वो दिक्कत हो जाएगी गाइस। किसको किसको चाय के साथ कुरमुरा अच्छा लगता है? कभी कभी अच्छा लगता है, मैं तो खाती हूँ। अगर से आप लोग भी खाते होंगे तो जो गांव के देसी अंदाज में खाना खाने का तरीका है उस शहर के चम्मच और कांटे वाले चम्मच में नहीं है, है कि नहीं? तो गाइस बहुत से कमेंट आए हमारा। अभी समय है 10 मिनट बाकी है, तुम अच्छे से आराम से खा पी लो तब जाओ। गाइस इधर देखिए हल्का हल्का फुहारा, क्या मौसम है, मौसम काफ़ी अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं टेरिस पे कोई नहीं है, आर्यन भी चला गया है क्लासेस आर ओ ट्यूशन चला गया है। घर में कब से बोर रही थी, मन नहीं लग रहा था तो मैं आ गई टेरिस पे और इधर अकेली बैठी हुई हूँ। अभी सब लोग खाली हो जाएंगे तो आएंगे, वैसे शाम के समय आते हैं लोग आधा आधा घंटा बैठते हैं जिसके पास मतलब टाइमिंग से। शाम को फिर पानी चला अच्छा आएगा तो सब काम करना शुरू कर देंगे। अभी मौसम अच्छा है, क्षण भर में जैसे हम कि मैं बोली कि क्षण भर में बारिश, क्षण भर में ये अभी हल्का हल्का फुहारा पड़ रहा है, मोबाइल पे भी मेरे गिर रहा है। A few moments later. तो गाइस इधर देखिए रात के समय हो गए हैं, आप लोगों को पता ही है, देखिए अंधेरा भी दिख के पता चल जा रहा है। और मैं खाने बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और रोटी जो कि मेरे बच्चों को पसंद है। और सब्जी हमारा हो गया है गाइस, इधर देखिए इधर आटा सान रही हूँ, आटा सान के रोटी बनाऊंगी, ये लोग खा के सोएंगे गाइस क्योंकि सुबह ये लोग के लिए टिफिन भी तैयार करना है। गाइस आज सुबह से पता नहीं इतनी घबराहट इतनी बेचैनी, मेरे मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। रूम पे कहीं टेरिस पे गए फिर नीचे गए फिर गई सब्जी लेके आई, तब पर भी जैसे टाइम ही नहीं पास हो रहा क्योंकि आर ओ आर्यन भी चले गए थे क्लासेस, बिल्कुल घर एकदम खाली खाली लग रहा था। तो अभी वंदना का भी फोन आया था तो बात कर रही थी, बोल रही मैं उससे बोली नहीं बोली, आज पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा है, इतना घबराहट इतना बेचैनी हो रहा है। पति बोलती है कभी कभी होता है, फिर मम्मी को फ़ोन लगा के बात की, सास को भी फ़ोन लगा के बात की, थोड़ा सा जैसे कि बात कर लेती हूँ तो मन थोड़ा सा शांत हो जाता है। तो गाइस अब इस मन को क्या करूँ, कभी कभी नहीं लगता है, घबराहट बेचैनी होती है। इन्हीं शब्दों के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे।